जी हाँ दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। दोस्तों बता दें कि यूपी में फर्जी वोटिंग कई और खुलासे से मची खलबली। 25 मई 2024 को होगा दोबारा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, दरअसल यूपी के फरुखाबाद लोकसभा सीट पर एटा के अलीगंज विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग का वीडियो वायरल होने के बाद से खलबली मची है। चुनाव आयोग की सख्ती पर पूरी पोलिंग पार्टी सस्पेंड करने के साथ केस भी दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो में दिख रहे किशोर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि इस बूथ पर 69.22% मतदान हुआ है। इसमें सिर्फ 10 लोगों ने ही वोटर पहचान पत्र का इस्तेमाल किया है। ऐसे में इस बात को लेकर के कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि अगर किशोर ने इस वीडियो को खुद बनाकर डाला है तो इतने बड़े फर्जीवाड़े का पता कैसे चलता। विपक्षी पार्टियां भाजपा के साथ ही प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। फिलहाल आयोग ने यहां पर फिर से मतदान की तारीख भी ऐलान कर दिया है। यहां 25 मई 2024 को वोटिंग दोबारा से होगी। यानी कि दोस्तों बता दें कि यह मामला यूपी के फरुखाबाद लोकसभा सीट पर एटा के अलीगंज विधानसभा पर यह खबर आ रही है। और बता दें कि यहां पर चुनाव आयोग ने फिर से दोबारा से वोटिंग 25 मई 2024 को दोबारा से करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों बता दें कि एक किशोर नाम का लड़का था जो कि इस वीडियो का फर्जीवाड़ा वीडियो वायरल कर दिया है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दोस्तों बता दें कि इस बात पर हमारे अखिलेश यादव यानी कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी चर्चा की है और उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अगर चुनाव आयोग को लगे कि यह गलत हुआ है तो कुछ कार्रवाई जरूर करें, नहीं तो भाजपा की बूथ कमेटी दरअसल लूट कमेटी है। यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का यह कहना है जो कि अपने ऑफिशियल ट्विटर एक्स पर लिख करके इन्होंने जानकारी दी है। और फाइनली बता दें कि चुनाव आयोग ने फिर से दोबारा 25 मई 2024 को दोबारा से वोटिंग करने का फैसला कर लिया है। तो यह खबर यूपी के फरुखाबाद की है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, यह जानकारी औरों के पास पहुंच सके। और आपको क्या लगता है कि यह चुनाव दोबारा से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह भी बात हमें नीचे कमेंट करके आप बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।